यूपी की योगी सरकार सड़क को गड्ढा मुक्त करने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हैं और सड़कें खराब स्थिति में हैं। कुछ ऐसे ही खराब सड़कों और गंदगी से परेशान 7 दिसंबर को दुल्हन बनने जा रही एक युवती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने शादी का निमंत्रण पत्र भेजकर आने का आग्रह किया है। साथ ही आने के लिए रास्ता सही नहीं होने के साथ सड़क बनवाने और आसपास की गंदगी को दूर करने की अपील भी किया है। इसके पीछे युवती ने आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए इसलिए लिखा ताकि शादी में आने वाले मेहमान और योगी आदित्यनाथ को उनके घर तक आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। युवती के मुताबिक पिछले कई सालों से उसके घर की ओर जा रही सड़क तकरीबन 200 मीटर की नहीं बनी है, साथ उसके घर के पास गोबर की और गंदगी की अंबार लगा हुआ है। धूमनगंज इलाके के अबूबपुर के रहने वाले अता अफजल की बेटी का निकाह लखीमपुर खीरी में हो रहा है और बारात 7 दिसंबर को उनके घर आनी है, लेकिन उनके घर के रास्ते जाने वाली सड़क का रास्ता खराब है। यही नहीं, जहां पर मेहमानों के लिए खाना और शादी का इंतजाम किया गया है, उसके बगल खाली पड़े ग्राउंड में ढेर सारी गंदगी और गोबर का अंबार लगा हुआ था। इसी खराब सड़क और गंदगी की वजह से निकाह में आने वाले मेहमान को सड़क से आने में दिक्कत होगी। इस बात की शिकायत कई बार आला अधिकारियों और स्थानीय पार्षद के अलावा मेयर और विधायक से भी किया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब परिवार वालों की किसी ने नहीं सुनी तो अजीज होकर होने वाली दुल्हन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर जाकर उनको अपने शादी निमंत्रण कर उन्हें आमंत्रित किया है। इसके अलावा उसने ये भी लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 7 दिसंबर को मेरी शादी है जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, कृपा करके मेरे मोहल्ले की सड़क बनवा दीजिए जिसमें आपको और मेरे मेहमानों को आने में कोई असुविधा ना हो। आपकी बेटी नुकुश। इसका असर ये हुआ और पहले तो प्रयागराज नगर निगम ने घर के बगल पड़ी गंदगी के अंबार को साफ करवाया, खराब सड़क का टेंडर निकाल कर उसको बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। सड़क बनने का काम कानपुर की आरएच कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। सड़क से पिछले 15 सालों से बिल्कुल चलने से हम लोग मोहताज थे, कभी पैर टूटता बच्चों का, कभी गाड़ी पंचर होती, कभी कुछ होता, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मेरा भतीजा और हम लोग का बहुत प्रयास कर रहे थे कि सड़क बन जाए, लेकिन नहीं बनी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान तक ये बात आई कि ये मोहल्ला 15 साल से सड़क नहीं बनी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप इस पे आदेश किया होगा, इसलिए हमारी सड़क बनी, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना भी चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन ये है कि जैसे वो हमारी बेटी की बात सुन के उन्होंने सड़क बनवाई, अगर वो आ जाते और बच्ची को आशीर्वाद देते तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी होंगे। सर, ये नगर निगम द्वारा, नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य जो है हमारी कंपनी को मिला है, आरिच कंस्ट्रक्शन कंपनी को। नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क पे आदेश आया कि इसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, इसलिए कार्य हो रहा है।